हेलो एवरीवन, मैं शिखा भारद्वाज अपने चैनल में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ चटपटे भरवा करेले की रेसिपी, जिसको हमने कच्चे आम से भर के बनाया है और बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। तो आइए बना लेते हैं भरवा करेले मेरे स्टाइल में। मेरे पास आधा किलो करेले हैं और ये मीडियम साइज के करेले हैं और साथ में मैंने ली है दो कच्ची वाली आम भी, यानी कि कैरी। हम अपने करेलों को छील लेते हैं, तो मैं इसका ऊपर नीचे का पार्ट कट कर दूंगी इस तरह से, और बस हल्का हल्का से जो मोटी मोटी लाइनें हैं इनकी, इनको हटाएंगे हम, बहुत ज्यादा नहीं छीलेंगे इसको। देखिए, हल्का हल्का इस तरह से जो मोटी लाइनें हैं इसकी, इनको हटा रही हूँ मैं बस इस तरह से। ये देखिए, तो बहुत इसको डीप नहीं छील रही हूँ मैं। ये देखिए, बस इस तरह से मैंने छील दिया है इसको हल्का हल्का, और इसी तरह से मैं अपने सब करेले तैयार कर लेती हूँ। यहाँ अपने करेलों को हल्का हल्का सा छील लिया है इस तरह से, देखिए, और अब इनको हमने अच्छी तरह वॉश भी कर लिया है, और अब इसको हम बीच में से इस तरह से कट करेंगे और चेक कर लेंगे अंदर से। अगर सीड्स बड़े हैं तो उनको आप निकाल दीजिए, अगर सॉफ्ट सीड्स हैं तो उनको आप रहने दीजिए। तो इस तरह से आप सारे करेलों को आप चेक कर लीजिए। सभी करेलों को मैं इस तरह से, देखिए, इस तरह से साइड से कट करूँगी और बस खोल खोल के इनको चेक कर लूँगी मैं। इसमें बड़े सीड्स हैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगी मैं, इसमें सॉफ्ट हैं उनको मैं ऐसे ही रहने देंगे। तो इन सबको मैं तैयार कर लेती हूँ इस तरह से। मैंने सभी करेलों को इस तरह से खोल के चेक कर लिया है, और यहाँ मैंने अपनी कच्ची आम को कद्दूकस कर लिया है छील के। यहाँ मैंने कच्चे आम को छील के और इसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, देखिए, मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब इसमें मिलाएंगे मसाला। पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक। मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। करेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं चम्मच मैंने भर के ली है अच्छी तरह से। तो 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, ये है सौंफ का पाउडर। तो सौंफ को मैंने मोटा मोटा पीस लिया, देखिए बारीक नहीं पीसा है मैंने, मोटा मोटा पीसा हुआ है इसको। तो ये 2 चम्मच ऐड करूंगी मैं, ये 1 चम्मच हो गया, ये 1 चम्मच और ऐड कर देती हूँ, तो 2 चम्मच सौंफ का पाउडर। अब इन सब मसालों को हम कच्चे आंबी के साथ मिक्स कर देंगे। तो इसको मिक्स करने के लिए आपको कोई ऑयल वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इसको हाथ से ही मिक्स कर देती हूँ इस तरह से, तो जो आम का जूस है उसी में हमारे मसालों की बाइंडिंग हो जाएगी। इसमें आपको बिल्कुल भी ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इस तरह से बाइंडिंग हो गई है अच्छी तरह से, क्योंकि जो आम का जूस है उसके साथ ही मसाले सब मिक्स हो गए हैं। और इनको हम स्टफ करेंगे अपने करेलों में। बस हम करेलों में स्टफिंग भरेंगे इस तरह से, करेले को खोल के इसके अंदर स्टफिंग भर देंगे हम। और स्टफिंग आपको खूब सारी स्टफिंग भरनी है, नहीं तो आपके करेले जो हैं वो कड़वे लगेंगे। तो इस तरह से मैं अपने सारे करेलों को स्टफ कर लेती हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से तो लीजिए, मैंने अपने सब करेलों को भर लिया है। और अगर करेले भरते समय आपको लगे मसाला कम पड़ रहा है तो और मसाला मिक्स कर लीजिए। मसाला भरने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर मसाला कम होगा करेलों में तो करेले कड़वे लगेंगे। तो उसको अच्छी तरह से, देखिए, इस तरह से आपको खूब सारा मसाला भरना है इसके अंदर, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो गया है, हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें अपने करेलों को इस तरह से रख देंगे हम। देखिए, इस तरह से हम सीधा सीधा रख रहे हैं इसको। जिसका ओपन पार्ट है इसको ऊपर रख रहे हैं हम, देखिए इस तरह से। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए इस समय। करेलों को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है मैंने, और इसको हम ढक देंगे और 2 मिनट बाद चेक करेंगे। 2 मिनट बाद इसे हम खोल के चेक कर लेते हैं। अब करेलों को हम हल्का हल्का टर्न कर देते हैं, देखिए नीचे से हल्का सा सिक गया है, इस तरह से इनको हम हल्का हल्का टर्न कर देंगे। सारे करेलों को इस तरह से, देखिए सिक गया हल्का सा नीचे से, इस तरह से इनको हम इस तरह टर्न कर देंगे सारे करेले। तो इसको इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें
कुक करना है। देखिए सब कलों को हमने टर्न कर दिया इस तरह से। अब मैं फिर से कवर कर देती हूँ। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे और फिर 2 मिनट बाद चेक करेंगे। अब 2-3 मिनट बाद इसे हम फिर चेक कर लेते हैं। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ है इसे। देखिए अब करेले हमारे को एक बार और टर्न कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से घुमाते हुए अब देख सकते हैं यहाँ पे कलर आ गया है। इसी तरह से हमें चारों तरफ से गोल्डन गोल्डन फ्राई करना है इसको। बस इस तरह से हम सारे करेलों को टर्न कर देते हैं। तो हमने सब करेले अपने टर्न कर दिए हैं इस तरह से। अब मैं इसे फिर से कवर कर देती हूँ और फ्लेम को लगातार लो ही रखना है और कुछ देर बाद फिर चेक करेंगे। कुछ देर बाद हम करेलों को फिर से चेक कर लेते हैं। तो बस करेलों को आप थोड़ा पेशेंस के साथ इस तरह से लो फ्लेम पर पलटते पलटते हुए पकाएंगे तो करेले आपके बहुत टेस्टी बनेंगे और कड़वे भी नहीं बनेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हर तरफ से इस तरह से गोल्डन कलर आ गया हो करेलों के ऊपर। यहाँ से ग्रीन दिख रहा है अभी, तो मैं इस साइड को इसको टर्न कर देती हूँ। जहाँ से भी आपको लगता है कि अभी ग्रीन ग्रीन है, कच्चे हैं, वहाँ से आप इसको नीचे कर दीजिए और दूसरी साइड को ऊपर कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से सभी करेलों को मैंने इस तरह टर्न कर दिया फिर से और एक बार और कवर करेंगे। तो स्लो फ्लेम पर पकाने से क्या होता है कि करेले हमारे सॉफ्ट भी हो जाते हैं और अच्छी तरह से भुने भुने भी हो जाते हैं। सब करेलों को टर्न कर दिया मैंने और उसको एक बार हम और कवर कर देते हैं और कुछ देर और कुक करेंगे ताकि करेले बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है लगातार। तो हमने अपने करेलों को लो फ्लेम पर कुक किया है और कई बार हमने बीच में खोल के इसको चेक भी किया है। अब हम इसको फिर देख लेते हैं। तो हमारे करेले हर तरफ से देखिए अच्छी तरह गोल्डन हो गए हैं। देखिए एकदम से गोल्डन कलर आ गया है इनका। तो हर तरफ से घुमा घुमा के देख लीजिए आप। बहुत जरूरी है कि हर तरफ से ये अच्छी तरह से सीख गए हों। इस तरह से कहीं से भी ग्रीन नहीं है, यानी कि हमारे जो करेले हैं अच्छी तरह से भुन चुके हैं। देखिए सब में अच्छा गोल्डन कलर आ गया है हर तरफ से। चेक भी कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया हमारा करेला। देख सकते हैं आराम से कट रहा है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो हमारे करेले एकदम सॉफ्ट भी हो गए हैं और चारों तरफ से एकदम गोल्डन, अच्छे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। तो बस गैस को ऑफ कर देते हैं, करेलों को बाहर निकाल लेते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ कई तरह के करेलों की रेसिपीज शेयर की हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इन चटपटे टेस्टी भरवा करेलों को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। थैंक यू।